इस ट्रक में मैं जाऊंगा, साथ में जर्नी करूंगा। मैं ट्रैवल कर रहा हूं एक ट्रक में जिसमें 148 टायर्स हैं, और इसको ले जाने वाले सिर्फ दो लोग नहीं हैं, तो ये पूरी ट्रेन है, ये ट्रक नहीं हो सकता। एक एस्कॉर्ट वैन हमेशा साथ में चलती है। फाइनली निकल चुके हैं भाई साहब, भाई साहब वहां से निकल नहीं पाएगा ये, तो इसको यहाँ से निकालेंगे। टाइटल देख के, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे हैरीज व्लॉग्स में आप कैसा कंटेंट देखने वाले हो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक ट्रक में जिसमें 148 टायर्स हैं। जी हाँ, मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, 148 टायर्स हैं। अभी मैं हूँ नागपुर में और हमको जाना है आगरा, ठीक है। ये ट्रक जो है ये पहुँचेगा अराउंड 5 से 6 दिनों में पहुँचेगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे पता नहीं कहाँ तक, इसमें 148 टायर्स, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब मुझे क्या गिनूंगा कैसे, मतलब आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना कितने टायर्स हैं, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसका वेट है अराउंड 250 टन। टोटल ट्रक का जो वेट है वो है अराउंड, मान के चलो आप 350-400 टन कम से कम। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है ना जिसमें मैं ट्रैवल करने वाला हूं, इसको आप बोल सकते हो कि ये चीज एक ट्रेन है रोड के ऊपर जिसपे मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ। दिस इज आई थिंक फर्स्ट टाइम ऑन हैरीज व्लॉग्स, दिस इज द मोस्ट एक्सक्लूसिव कंटेंट। मेरा मकसद रहेगा कि कैसे कलाईवानी लॉजिस्टिक्स जिनका ये ट्रक है, इन लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं इस बड़ी सी चीज को एक जगह से लेके दूसरी जगह, ठीक है। बस मैं आपसे इतना ही बोल सकता हूँ कि दिस will be the most adventurous journey on Harry's vlog. ये बोल सकते हो कि एक ट्रेन है, इतनी बड़ी एक ट्रेन है जो रोड पे चल रही है। बिग बिग शाउट आउट टू कलाईवानी लॉजिस्टिक्स, ठीक है, चेन्नई बेस्ड कंपनी है, सारे हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है। क्या बोलूं गाइस, बिग बिग हैट्स ऑफ टू देम, इनकी वजह से ही पॉसिबल हो पाता है इतनी बड़ी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। देखिए फ्लाइट में तो पॉसिबल है नहीं, शिप में पॉसिबल है, लेकिन आप इंडिया के अंदर शिप में कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे अगर आगरा जाना है तो इसलिए एक तरीका यही बचता है जिसमें इन लोग ट्रैवल करेंगे। ये जो ट्रक है दिन में सिर्फ 100 किलोमीटर ही चलता है, उसके बाद नहीं चलता, 100 से ऊपर नहीं चलता एक दिन में, ठीक है, मतलब 12 घंटे में। और इसकी डेडलाइन है सुबह 5 से लेके शाम 5 बजे तक ही ये ट्रक चलेगा। 2 मिनट दे दो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो होटल बुकिंग है कहाँ से करता हूँ। बहुत लोग यार पूछते हैं, इतने डीएम आते हैं, तो मैं अपनी सारी होटल बुकिंग्स करता हूँ वीगो ऐप से, जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल एप्लीकेशन है। यार देखो जो बेस्ट पार्ट क्या है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, और सारे के सारे होटल के जो फेयर्स होते हैं या फिर अगर फ्लाइट के फेयर्स होते हैं कंबाइंड फॉर्म में बताता है आपको। mmtgobooking.com ये सारी वेबसाइट्स को जोड़ के ना सारे फेयर्स बताता है, तो आपके पास सही ऑप्शन है कि आपको क्या चुनना है, आप चुन सकते हो। अब तो होम रेंटल्स भी जो है आप वीगो ऐप से बुक कर सकते हो, एंड द बेस्ट IRCTC ट्रेन बुकिंग्स भी आप वीगो ऐप से कर सकते हो। और इनका रिकॉर्ड है यार, फास्टेस्ट लोडिंग एप्लीकेशन, बहुत मक्खन एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है ऑलरेडी, प्लीज इसको अपडेट कर लेना एक बार, जो नए अपडेट्स हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं। डाउनलोड वीगो ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इसके बाद ये ट्रक नहीं चल सकता, उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस हैं, सुबह 5 बजे निकल सकता है और शाम 5 बजे तक, मतलब खैर इतना तो आप देख के समझ ही गए होंगे, उजाले में ही ये ट्रक चलेगा, उसके बाद ये ट्रक नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये ट्रक नहीं ट्रेन है। ट्रेन को अगर रोड पे चलना है उसको उजाले में ही चलना पड़ेगा ना, वो रात में इतनी बड़ी ट्रेन कौन लेके चलेगा, समझ रहे हो। अगर ये वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना, मुझे सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। तो आप देख सकते हो किस ढंग से इसको बांधा है, देखिए यहाँ पे लकड़ियाँ फंसाई हैं, यहाँ पे कुछ इन्होंने कागज वगैरह फंसाया है, पूरे शॉकअप्स हैं इसके नीचे, शॉकअप्स लगे हैं। ये नॉर्मल टायर्स नहीं है जो आप नॉर्मल ट्रक्स में देखते हो। भाई साहब मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, जब इतनी बड़ी कोई चीज लेके जाते हो तो बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ये इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करते हैं। इस ट्रक में मैं जाऊंगा साथ में, जर्नी करूंगा, मुझे नहीं पता कहां तक करूंगा, कितने किलोमीटर की होगी। तो वहां पे टोल गेट के जो गेट्स हैं उन लोग खोलेंगे, मतलब ये पूरी चीज टोल गेट से नहीं निकल सकती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ी है, तो ये नहीं निकल सकती। तो वहां पे इन लोग जो खंबे होते हैं ना टोल गेट के, उसको पहले निकालेंगे, उसको साफ करेंगे, उसको बड़ा करेंगे, उसके बाद ये जो है निकलेगा। और देख सकते हो जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो काम करते हैं, जो लेके जाने वाले हैं, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, इन्होंने मतलब अपना सब कुछ सामान लेके
चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये ट्रक जो है अपनी डेस्टिनेशन 8-9 दिन बाद पहुंचेगा। तो आप देख सकते हो कि पूरा इन्होंने बेसिकली अपना टेंट वगैरह लगा लिया है, पानी आने का सामान पूरा रख लिया है वहां पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक यहां पे और एक पीछे भी यहां पे भी। और इसको ले जाने वाले सिर्फ दो लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को इसकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, क्योंकि आप समझ रहे हो ये पूरी ट्रेन है, ये ट्रक नहीं हो सकता। एक एस्कॉर्ट वैन हमेशा साथ में चलती है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज है तो इसको अकेले आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि बहुत सारे टर्न्स होते हैं, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं। सिर्फ ये ट्रक नहीं जाएगा, साथ में ये गाड़ी भी जाएगी पीछे पीछे। आप नॉर्मल ट्रक्स देखते हो, दो लोग चल रहे हैं, तीन लोग चल रहे हैं, चार लोग चल रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है पब्लिक, ये पूरी की पूरी बोल सकते हो एक ट्रेन है। कम से कम 15 से 20 लोग साथ में लेके चलते हैं अपने डेस्टिनेशन तक। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस मशीन का, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है इस लॉजिस्टिक्स का, कि अगर ये मशीन अपनी जगह नहीं पहुंचेगी तो सोचिए नॉर्मल पब्लिक को कितनी परेशानी हो सकती है। अब आप बोलोगे कि ट्रक, ये ट्रक है जिसमें हम जाएंगे, ठीक है, इसके आगे ये क्या लगा है, मैं बता दूं, आगे सियोनी घाट आएगा, ठीक है, नागपुर के आगे सियोनी घाट आएगा, कि ये वाला ट्रक जो है इतनी बड़ी मशीन को खींच ले, तो वहां पे एक और ऐसा ट्रक लगेगा, सेम ऐसा एक और ट्रक वहां लगेगा सियोनी घाट में, और वो ट्रक लगेगा यहां पे, मतलब टोचन के लिए है, वो ट्रक यहां पे कनेक्ट होगा। तो दो ट्रक, दो मशीनें, एक और ऐसी मशीन रेप्लिका इसका इसके आगे लगेगा। एक हफ्ता लगता है पूरी चीज को लोड करने में। आपको एक चीज बता दूं, जो आपको घरों में बिजली मिलती है ना, इसकी वजह से मिलती है। अब आप समझ सकते हो कि इन लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। प्राउड फील कर रहा हूं कि अपनी पब्लिक को मैं इतना अच्छा कंटेंट दे पा रहा हूं। क्या होता है ना, कई बार जब टर्न्स होते हैं ना, ठीक है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है कि इसको ऐसे निकाल लिया जाए, तो हाइड्रोलिक्स को यूज करते हैं इन लोग, ठीक है, और ये जो टायर्स हैं शायद घूम जाते हैं और फिर घूम के ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, फिर चाहे तो आप लेफ्ट घुमा लो, चाहे तो राइट घुमा लो, ये हाइड्रोलिक कंट्रोल है इस ट्रक का, ठीक है, मतलब इसका जो है ना, ये पूरा जो मतलब अटैच्ड है, इसका भी कंट्रोल यहाँ से होता है, और जो मेन इंजन है, जो मतलब जिसमें पूरा ये खिंच रहा है, वो तो आगे आपको मैंने दिखाई दिया, ठीक है, इसका भी कंट्रोल होता है, ताकि टर्न्स में ये पूरी गाड़ी चल पाए। अच्छा, ये लेफ्ट राइट भी होता है और अप डाउन भी होता है, चाहे तो इसको अप डाउन भी कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। और भैया जी देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स, ठीक है, अभी चालू किया मैंने अंदर एसी, अगर मुझे कभी गर्मी लगी सपोज करो अंदर, तो मैं यहाँ पे आके बैठ सकता हूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग। अब आप बोलोगे यार गुड मॉर्निंग कैसे हो गई, दोपहर थी, गुड मॉर्निंग कैसे हो गई, जैसे कि मैंने बोला बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस ट्रक को मूव करने के लिए, और अब हम आगे निकल रहे हैं फाइनली। तो ये है हमारा ट्रक, बस दो बैग्स थे, ठीक है, एक बैग तो मैंने रखवा दिया उसके अंदर, दूसरी कार है जो एस्कॉर्ट कार है उसमें रखवा दिया, एक जो बैग है ये अपने साथ कैरी करूंगा, इसमें कैमरा वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ब्रश कर रहे हो, तो इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ट्रक से बहुत ज़्यादा ऊंचा है ये। देखो यहाँ से इसको ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, और चढ़ना है, और ये मैं अंदर आ गया। अगर बात करूँ मैं इंटीरियर की, तो अंदर से ऐसा कुछ है, और आई थिंक अभी तक का सबसे लग्जूरियस बोल सकते हो कि इंटीरियर इस वाले ट्रक का है, और स्टेयरिंग वगैरह आप देख सकते हो कि वॉल्वो वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पे गैस वगैरह दी हुई है, अंदर से ऐसा कुछ है, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है गाइस, काफी ज्यादा। यहाँ पे और सिस्टम, एसी वगैरह भी है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, बैग रख दूंगा यहाँ पे, स्विच वगैरह जो है पूरे एडवांस स्विचेस है, और जो पीछे इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मर है उसको खींच के लेके जाएगा, तो सोच सकते हो पावर कितनी लगेगी इसमें। फाइनली हम निकल चुके हैं, तो जब ये स्टार्ट हुआ ना, ये ट्रक जब स्टार्ट हुआ तो ये एकदम से ऊपर उठा, इतनी पावर लगाने के बाद ये जो है ना थोड़ा आगे चला है। जो नट बोल्ट है ना, ये आप खंभा देख रहे हो ना, इसको खोल के इन लोग साइड करेंगे, ताकि ये ट्रक पास हो पाए और फिर वापस लगा देंगे। तो ये इन लोग नट बोल्ट खोल रहे हैं, इसका साइड कर देंगे और फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इतनी बड़ी चीज़ जो है ये नहीं निकल सकती। अब आप समझ रहे हो कितना कुछ लगता है इसको वहाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने तक। ये एस्कॉर्ट वैन है, ठीक है, ये हमारे आगे नहीं हमारे पीछे चलेगी। अगर मैं बात करूं इसकी मैक्सिमम स्पीड की, तो 35 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है, 35 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है, इससे तेज ये नहीं जा सकती। 350 टन वजन उठाते हुए हम आगे निकल चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो आप वो देख पा रहे होगे, वो मशीन है और रेड कलर का फ्लैग लोग लटकाए हुए हैं। 6 घंटे में 180 किलोमीटर करेंगे, कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाते हैं, लेट्स सी। बहुत बहुत बड़ा ट्रक है ये, जो ट्रक है काफी लग्जरी है, मतलब ये वाला जो पार्ट है काफी लग्जरी है और ये बहुत लंबा है। वॉल्वो का है तो लग्जरी होना ही है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है, ठीक है, स्पीड नहीं है इस ट्रक की, मतलब मैक्सिमम आप देख सकते हो 35 की स्पीड है,
उसके ऊपर नहीं जा सकता है, बहुत पावर लग रही है पीछे, बहुत ज्यादा। दिखाऊंगा मैं आपको, आप उस मिरर से देख सकते हो, एक भैया बैठे हैं उसके अंदर, एक भैया जो है वो अंदर बैठे हैं ट्रॉली में। तो अभी थोड़ी सी हाइट चढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, और स्पीड देख लो, बीच के भी नीचे है, बीच के ऊपर नहीं जा रही है ये चीज, इतनी ज्यादा भारी जो है, थोड़ी सी थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ रहा है। और सामने कुछ आ गया था, कुछ गायें वगैरह आ गई थी, तो चक्कर में स्लो करना पड़ा। ये भैया है ना, ये देखो, ये रेड फ्लैग लेके चल रहे हैं, एक और भैया है, ये रेड फ्लैग लेके चल रहे हैं, और एक वहाँ पे है वो बैठे हैं। तीनों का कोऑर्डिनेशन चलता है, ये यहाँ से रेड फ्लैग दिखाते हैं, वो रेड फ्लैग दिखाते हैं। लाल झंडा का मतलब होता है कि भाई रुक जाओ, ठीक है, दूसरी गाड़ी आ रही है, रुक जाओ, उनको ये बोलने के लिए इन लोग जो है लाल झंडी दिखाते हैं। तो पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ इस चीज को लेके जाया जाता है। पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेन है, ठीक है, जो रोड के ऊपर चल रही है, ये एक ट्रेन है। आधे घंटे में हमने 7-8 किलोमीटर कवर किया होगा। जो फ्लाईओवर है ना, इस फ्लाईओवर को पहले उन्होंने साइड पे लिया, ठीक है, क्योंकि अगर बीच से लेते तो बीच से खंबे नीचे थे, साइज देख रहे हो ना उसका, इन्होंने साइड से लिया है, क्योंकि ये देखो वो जस्ट फ्लाईओवर से टच कर जाता अगर बीच से लेते तो। भाई साहब, भाई साहब, ये देखो कितना क्लोज है, कितना पास है फ्लाईओवर से। ओ भाई मजा आ गया यार, इससे थ्रिलिंग चीज मैंने कभी कभी खेल ली थी। तो अभी एक चीज हुई, यहाँ पे तारे लगी हुई थी, 6 तारे लगी हुई थी, तो इन लोगों को ये ट्रक रोकना पड़ा। कुछ लोग चढ़े ट्रक के ऊपर और उन्होंने तारों को ऊपर किया, उसके बाद ट्रक को निकाला। तो सोचो, फ्लाईओवर के नीचे से भी नहीं निकल सकता, और अगर तारे हों बाय चांस ऊपर तो तब भी नहीं निकल सकता, समझ रहे हो आप मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। आगे देखते जाओ व्लॉग, आपको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। देखो अभी फ्लाईओवर आ गया, फ्लाईओवर आने की वजह से हमारी स्पीड देखो 20 से भी कम हो गई है। जैसे एक गाड़ी है आगे रुक गई कुछ इमरजेंसी में, ठीक है, इनके पास ये मतलब राइट नहीं है कि एकदम से राइट लेके निकाल लें, हमको रुकना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम एकदम से निकालेंगे तो वो 5 मिनट तो लगेगा इस ट्रक को निकलने में। कॉम्प्लिकेशन समझ रहे हो आप किस हद तक कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी धीरे धीरे देखते जाओ पूरा व्लॉग, आपको मालूम पड़ता जाएगा कॉम्प्लिकेशंस अलग लेवल पे हैं। अब एक और फ्लाईओवर है, इसकी हाइट थोड़ी कम है, रोड भी थोड़ी ऊंची है। अब प्रॉब्लम ये है, इतनी बड़ी चीज को मतलब आप देखो, इतने बड़े ट्रक को कैसे निकाला जाएगा इसके नीचे से, सोचने वाली बात है बहुत ज्यादा, काफी मुश्किल भी हो सकता है। लोग पहले ही चले गए आगे, इन ट्रक वाले को भैया को बोल रहे हैं कि आप आगे ले लो ताकि हम लोग वहां से निकालें। उसका रीजन ये है कि वहां पे जमीन थोड़ी कम है, मतलब छोटी है, जमीन की हाइट कम है, रोड की हाइट कम है, तो हम यहां से कोशिश करेंगे निकालने की। आई होप सो निकल जाए। ओ भाई जस्ट निकलेगा शायद, जस्ट, देख रहे हो यार, अगर हल्का से भी टकरा गया ना ऊपर से, आप सोच भी नहीं सकते कितने रिपरकशंस हो सकते हैं। इतना बड़ा काम है, ये देखिए इतना सा गैप है, इतना सा फ्लाईओवर और इसके बीच में। क्यों मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस ब्लॉग आप शायद हैरिस ब्लॉग में शायद देखोगे। किसी को बाथरूम आया है, वो उतरे, बाथरूम जाए और दौड़ के आके बैठ जाए, ऐसी स्पीड है इसकी, 15 की स्पीड होगी मेरे ख्याल से। हवा खाते खाते आराम से चलते 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 हम जा रहे हैं नागपुर बाईपास में। नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं यहाँ से और हवा बहुत अच्छी आ रही है यहाँ से, रोड भी जो है अभी ठीक है। अब वाइट वाइट देख रहे हो मेरे फेस पे, ये सनस्क्रीन है, मतलब ज़्यादा ओवरथिंक मत करना कि मैं ये क्या लगाए, सनस्क्रीन थोप के आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि भाई धूप में बहुत ज़्यादा होने वाला है सफ़र। ढलान आ गई है तो स्पीड में मारी बढ़ गई है, 40 के आसपास हो गई है, मतलब 35। सारे के सारे टायर्स हैं ट्यूबलेस टायर्स हैं, मतलब पूरे 140 जो टायर्स हैं वो ट्यूबलेस टायर्स हैं। ट्यूबलेस नहीं होंगे अगर बाई चांस एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ, क्रेन भी नहीं उठा पाएगी ना, कुछ क्रेन भी नहीं कर पाएगी, वो समझ लो जिंदगी भर के लिए वही चीज पड़ी रहेगी। अभी निकले हुए 1 घंटा हुआ है, हमने 20 किलोमीटर भी कवर नहीं किया जहाँ से हम मतलब निकले हैं। अब आप देखो इसकी हाइट इतनी है, कभी फ्लाईओवर में भी टकरा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चलती फिरती ट्रेन है जैसे कि मैंने आपको बोला। ये चीज जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर हुआ, ये पूरी टीम है ना, 1, 2, 3, 4, ये पूरे जितने भी लोग देख रहे हो आप फ्लैग्स के साथ, ये साथ साथ चल रहे हैं इसके जहाँ से हम अभी तक आए हैं, और ये एंड डेस्टिनेशन तक साथ में ही जाएंगे। एक चलाने वाला, बगल में बैठने वाला, और एक ये भैया तो यहीं बैठे हैं, और वो पीछे, पूरी टीम है, पूरी टीम चल रही है ये चलती फिरती। और अभी हाँ, हम टोल प्लाजा से निकलेंगे तो जो आप रॉड्स देख रहे हो बगल में लगी हुई हैं उसको इन लोग निकालेंगे स्क्रू ड्राइवर से, फिर इसको निकालेंगे क्योंकि ये ऐसे नहीं निकल सकता, तो 15 मिनट लगेगा। ये आप रॉड्स देख रहे हो उसको निकालेंगे पूरा। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है इसकी हाइट। आप लोग सोच रहे होगे ना यार इसका एवरेज कितना है, तो अगर मैं बताऊँ ना, 500 मीटर का एवरेज है ये, 500 मीटर चलता है ट्रक और 1 लीटर
डीजल खा लेता है, मतलब अगर 150 लीटर है मैं डीजल तो वो 80 किलोमीटर जाएगा। इससे कम एवरेज तो भाई मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा, 500 मीटर सीरियसली। ये एक्सीडेंट हुआ है कोई, ये तब होता है कंटिन्यूसली गाड़ी चलती रहती है। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं, इतनी देर में सिर्फ 50 या 60 किलोमीटर ही आए हैं हम, वहाँ से हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी। बहुत स्लो है ऑफ कोर्स, क्योंकि यार देखो इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको ले जाना को इतना आसान काम तो होगा नहीं। और मैं आपको दिखा दूँ, देखो एक स्कॉर्ट वैन होती है ना जो मैंने आपको बताया था तो पीछे, तो अगर ट्रक की पूरी लेंथ देखोगे ना वहाँ से लेके यहाँ तक है पूरी, तो बहुत लंबी लेंथ है। ये भाई लोग यहीं बैठते हैं आराम से, देखते हैं कि आसपास कुछ आ तो नहीं रही है, वो मैटर करता है। मैं सामने जा रहा हूँ टपरी में, चाय पीऊँगा आराम से शायद। ये है इनके पास इंच टेप, इन लोग नापेंगे कि ये जो पूरा एरिया है ये एरिया ट्रक को फिट कर लेगा कि नहीं, उसके बाद ही जो है इन लोग ट्रक निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाली रॉड है ना इसको अलग करना पड़ेगा, ये जो ट्रक है इससे लेंथ से बड़ा हुआ, तो ये जो इंच टेप लेके आ रहे हैं ये चेक करेंगे इसको यहाँ से लेके वहाँ तक। मैं श्योर हूँ आप लोगों को पहली बार पता चल रहा होगा, और आप एक चीज़ समझो कि ये सब जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रक अपनी जगह नहीं पहुँचेगा तो आप लोगों को घर पे बिजली नहीं मिलेगी, समझ रहे हो तो किस लेवल पे इम्पोर्टेंस है इन चीज़ों की। तो एक टपरी ये है, दूसरी टपरी वो है, वहाँ पे तो चाय पी नहीं रहा हूँ बिकॉज भैया के अंदर थोड़ा एटीट्यूड है, भैया कह रहे हैं कि भाई मैं 15 रुपए के लिए काम नहीं करूँगा, पूरी गैंग को पीना है तो ठीक है वरना नहीं। तो ये आंटी से पूछते हैं, ये मानती हैं। आज मैं गाड़ी में ही सोऊंगा, ये ट्रक जो है मैक्सिमम 60 किलोमीटर और कवर करेगा आज, शाम 6 बजे के बाद ये ट्रक नहीं चल सकता है। तो कल फिर हम निकलेंगे आगे नॉर्थ के टुवर्ड्स, कहाँ जाते हैं मुझे नहीं पता, तो कल भी शायद मैं पूरे दिन जर्नी करूँगा, 2 दिन जर्नी करूँगा। ये व्लॉग होगा day 1 day 2, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाली है, बहुत चीज़ें इस वाले व्लॉग में होने वाली हैं जो शायद आपने कभी देखी ना हो। ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रक है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रक इन इंडिया। ये आंटी ने बनाई है चाय, स्पेशल कहा था आंटी ने, स्पेशल बनाई है और कलर भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चलो भाई ये अच्छा हो गया, और साथ में एक पार्ले जी, ये तो कांस्टेंट है इंडिया के लिए, कांस्टेंट है ये। अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो आपको लगेगा जैसे पता नहीं कोई गॉडज़िला खड़ा है, गॉडज़िला पीछे कुछ गॉडज़िला लेके आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो पूरा जो कनेक्टेड है इसको इन लोग डिसमेंटल करेंगे, मतलब ये जो ट्रक है ये अलग हो जाएगा और वो मशीन वाला पार्ट है, मतलब जो बाकी के 100 चके हैं वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि जा रही है पेट्रोल पंप, हमें जाना है पेट्रोल पंप जो कि आगे से जाके लेफ्ट है। तो पहले इस गाड़ी में पेट्रोल भर जाएगा, फिर वापस आएगी गाड़ी और वापस इस मशीन वाली ट्रॉली से कनेक्ट हो जाएगी। ये सब चीज़ें शायद बहुत मज़ेदार लग रही होंगी आपको, और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा है कुछ अलग शूट करने में। कोई भी व्लॉग जो कि मैं अलग शूट कर रहा हूँ मुझे उसको बनाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो अभी उन लोग डिसमेंटल कर रहे हैं, मतलब बीच से काट रहे हैं, सिर्फ ये जो ट्रक है मतलब विदाउट द मशीन ये जाएगा आगे। पीछे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब जो मेन था 250 टन का वो यहाँ से कनेक्टेड था, वो निकल चुका है, ठीक है। सामने है फूड प्लाजा, कुछ पेट पूजा करके आएंगे, पेट पूजा नहीं तो कुछ अच्छा सामान खरीद लेंगे, मखाने वगैरह। तो ये प्रोटीन बार्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मैंने प्रोटीन बार्स वगैरह ले लिए हैं, पानी की 2 बॉटल्स लिए हैं, 2 प्रोटीन बार लिए हैं, और मैंने लिए हैं पीनट्स, 190 रुपए का है। फाइनली इसको बोर्ड करते हैं और निकलते हैं आगे के लिए बिना लोड के। ये ट्रक जो है आराम से बोल सकते हो आप 80 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकता है, लेकिन उसके बिना मतलब उसके साथ में 30 के ऊपर नहीं जाता। और आप इसकी हाइट देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ऊँचा है, ये चढ़ना भी उतना आसान नहीं है। तो अभी हम आ गए हैं महाराष्ट्र MP बॉर्डर में, तो इन लोग जो हैं ये सब कुछ हटा रहे हैं, बिकॉज इसको हटाएंगे नहीं तो ये ट्रक जो है पास ही नहीं हो पाएगा। आज के दिन हम जा रहे हैं सिवनी तक, जो कि है अराउंड 130 किलोमीटर। पहले हम लोग वहाँ से जा रहे थे लेकिन वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, इस टोल प्लाजा के नीचे बैरिकेड्स लगे हैं, वो देखिए ये वाइट कलर के आपको दिखा होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई रिवर्स करो और रिवर्स करके यहाँ से निकालो, उसका रीज़न ये है कि वहाँ से वो निकल ही नहीं पाएगा बिकॉज उसकी हाइट ही इतनी ज़्यादा है। सुबह से अभी तक हमने 65 किलोमीटर ही कवर किया है, बस 65। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, अंधेरा होने को आ रहा है, लगभग 8 घंटा हो चुका है मुझे इस ट्रक के अंदर। अभी तक हमने सिर्फ 60 किलोमीटर कवर किया है और यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है सिवनी। ये 2 व्लॉग्स होंगे, day 1 day 2, और day 1 में हमने बहुत ही कम कवर किया है। ये चीज़ आप देख रहे हो, वहाँ से यहाँ तक इसको खींच के लाए हैं 250 टन। अब इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है वहाँ से निकल नहीं पाएगा ये, तो इसको यहाँ से निकालेंगे, और ऐसे भी नहीं निकलेगा, इसके जो रॉड्स वगैरह हैं वो सब भी अलग करेंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कुछ लगता है, आपको लगेगा पता नहीं चलती फिरती मालगाड़ी या कोई ट्रेन है, ये बेसिकली जो मेन पावर है ना, पावर सोर्स, ये है पावर सोर्स,
और ये है वहाँ से लेके एंड तक, जितने भी हैं सब फोटो निकालने में बिजी है क्योंकि है ही इतना खास। और कभी कभी लगता है कि जो प्लेन में टायर्स होते हैं ना लैंडिंग के वक्त या टेक ऑफ के वक्त, वैसे टायर्स लग रहे हैं। वो देखिए इन लोग कैसे ट्रैफिक को रोक रहे हैं वहाँ पे ताकि ये ट्रक पास हो सके। जैसे जैसे हम लोग सियोनी के पास जाएंगे वैसे वैसे पेंच नेशनल पार्क जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है उसका असर आपको दिखने लगेगा। तो ये पूरा वाइल्ड लाइफ एरिया है। अभी एक बोर्ड आया था जहाँ पे कॉशन लिखा हुआ था ड्राइव स्लोली बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आपको जंगली जानवर मिलेंगे। तो ये पेंच के पास का एरिया है और ये पेंच के जंगलों में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो स्पीड हो चुकी है वो हो चुकी है 10 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। 10 km/h की स्पीड से जा रहे हैं बिकॉज ये उठ ही नहीं पा रहा है और चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है उस चक्कर में ये उठ ही नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है। अंधेरा होने लग रहा है, हमारे पास टाइम नहीं है, 1 घंटा बचा है। तो ये जंगल है ना और घना होते जा रहा है, अंधेरा भी होते जा रहा है, जंगल घना भी होते जा रहा है और इसकी स्पीड भी नहीं है। बस थोड़ी देर में हम लोग आज का हॉल्ट लेंगे, डे 1 हो जाएगा एंड कल निकलेंगे सियोनी के टुवर्ड्स। और यहाँ से अभी 80 किलोमीटर और बचा है तो वो तो हम कल ही पहुँचेंगे शाम को, 100% श्योर है। तो अभी हो रहा है शाम के 6:30, अंधेरा हो चुका है। वक्त आ चला है कि ये जो चीज़ है यहीं पे थमेगी और आज ये आगे नहीं जाएगी, बस इतना ही। लगभग 100 किलोमीटर्स कवर किया है हमने नागपुर से, जस्ट 100 किलोमीटर्स इन अराउंड 11-12 आवर्स। ओ भाई साहब, गाड़ी के अंदर आ गया हूँ मैं, मतलब जो स्कॉट वैन थी उसी में आ गया हूँ। मैंने प्रोटीन बार वगैरह ली थी, ठीक है, और एक पीनट बटर और एक पानी की बॉटल है। खाने पीने का कुछ जुगाड़ हो नहीं पाया। वो आप चांद देख सकते हैं, बहुत ही कमाल का चांद है आज की डेट में। बहुत ही अच्छा चांद है इनफैक्ट। और ये हमारा ट्रक जो है आगे रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पावर सॉकेट है। अभी हो रहा है 6:30, अभी ये निकलेगा कल सुबह पता नहीं किधर। और यहाँ से सियोनी है अराउंड 80 किलोमीटर। यहाँ से सियोनी का रास्ता है बहुत कठिन है बिकॉज बहुत ज़्यादा हिली एरियाज हैं। तो अगर यहाँ तक ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब दबा देना। अब डे 2 का ब्लॉग इसके बाद आएगा, सेम रहेगा ट्रक। और डे 2 में क्या क्या होता है, इसके बाद जो है हिली एरिया है उसमें क्या क्या होगा ये तो हमको पता नहीं, और कल ही देखेंगे। तो मैं जाऊँगा सियोनी तक। उसका रीज़न ये है कि आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया, अब कल का दिन देखते हैं भाई क्या होता है। सी यू, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।